बीचों बीच कोई डूब जाए तो उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है हेलीकॉप्टर की मदद से, ये आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे। ये देख पाएंगे कि कितनी विशाल तस्वीरें हैं ये, कि बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए एक व्यक्ति जो है वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। आप स्पीड देख पाएंगे हवा की हेलीकॉप्टर के जरिए जो तैयार होती है, और यहाँ पर डूबे हुए व्यक्ति को, ड्रोन किए हुए किए व्यक्ति को उठाया जाता है, उसे अपने हेलीकॉप्टर के अंदर स्थित दोबारा किया जाता है, और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होता है, जिसमें करीबन 5 से 7 मिनट का जो वक्त है वो पूर्णतः लगता है। साफ तौर पर आप देखेंगे कि लिमिट जो है वो हवाओं के हिसाब से तय होती है समुद्र में, जिसे नॉट्स कहा जाता है, कि 3 से 4 नॉट्स प्रति किलोमीटर दर से जो है हवाएं तेज चलती हैं, और उसी के बीच में सारी चीज़ों का पैमाना लेकर लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो शुमार किया जाता है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, या फिर किसी एडवेंचर करने के दौरान जो है वो लोग समुद्र के बीचों बीच डूब जाते हैं, तब नौसेना के जो जवान हैं वो इस तरीके से हेलीकॉप्टर की सहायता से अलर्ट करते हैं लोगों को, आसपास की नावों को, और वहाँ पर उतर कर खुद उनके जो जवान हैं उन लोगों को बचाते हैं। और इसी दिशा में ये समुद्र की ही रेंज में लगातार रेकी जो है वो कर रहे होते हैं। समुद्र के बीच में, महासागर के बीच में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोड क्या है वो आपको बताते हैं, वो है पनडुब्बियों को ढूंढना। जी हाँ, तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे यहाँ पर महासागर के बीच में आपको एक पनडुब्बी नजर आ रही है, और जो कि 1 मील से भी कम की दूरी पर है, लेकिन ये नजर नहीं आती। कैमरा से आपको बेहद जूम करने के बाद इसकी विजिबिलिटी नजर आएगी कि ये मौजूद है। खासियत इन पनडुब्बियों के साथ ये होती है कि ये कहाँ है ये बड़ी शिप को नहीं पता होता, इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल है, जबकि पनडुब्बियों को बकायदा पता होता है कि बड़ी जहाजें कहाँ पर हैं, उनका रूट क्या है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि इतनी छोटी है और ये किस कोने में है या किस दिशा से आ रही है ये पता नहीं चल पाता है, और इसीलिए ये हमारे समीप आते रहती है खतरा के तौर पर, लेकिन शिप्स इनकी जानकारी नहीं ले पाती है। आपको बता दें कि ये इस महासागर के अंदर फैली हुई कोने कोने में से अचानक से निकल जाती है, प्रकट हो जाती है, और इसीलिए इसके पहले जब आपने देखा कि हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे एक जो सैटेलाइट के तरीके है उसको भेजा जाता है, जो कि ट्रैक करता है आवाज के जरिए, आवाज की मदद से, कि क्या समुद्र के अंदर कोई सबमरीन है या नहीं। और भी आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि पूरा समुद्र जो है वो आपको खाली नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे ही किसी भी कोने से यहाँ पर आपको कहीं पर भी, कभी नजदीक में, कभी थोड़ी दूरी पर सबमरीन जो है वो नजर आ सकती है, इसीलिए इनको ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए इनकी आवाजों को पता करने के लिए समुद्र के अंदर से कि किस दिशा से सबमरीन आ सकती है, मॉनिटरिंग की जाती है हेलीकॉप्टर की मदद से, और जब ये सबमरीन नजदीक आती है इन्हें अलर्ट किया जाता है, इन्हें आवाजें दी जाती हैं, और अगर ये सिग्नल का जवाब नहीं देते हैं तो इन्हें तुरंत ही शूट करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। पनडुब्बियों पर, शिप पर किस तरह से आग बुझाई जाएगी उसकी सीधे तस्वीर आप देखेंगे। ये फायर डेमोंस्ट्रेशन एक्टिविटी है जिसको आप देख पा रहे हैं, और अज्यूम करेंगे यहाँ पर, ज्ञात करेंगे कि बीचों बीच अगर आग लगी है तो आप देखेंगे इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं ये आग बुझाने का काम करते हैं। ये जो बीच में व्यक्ति हैं ये एक इमेजिंग कैमरा अपने हाथों में रखते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आग कहाँ लगी है या वो कहाँ से बढ़ रही है, ये सारी चीजों का ज्ञात इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अंधेरे में अगर आग लगती जब आग लगती है तो तुरंत ही सारी मशीनों को चालू करके वेंटिलेशन जो है वो बंद कर दिया जाता है, और साफ तौर पर इसी तरीके से आग बुझाने का काम किया जाता है।
इस ब्यास पर फिलहाल आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से एक नाव से एक शिप से दूसरी शिप तक व्यक्ति को कैसे लाया जाता है। आपको बता दें कि जब हेलीकॉप्टर या छोटी जहाजें मौजूद नहीं होती हैं तो इसी तरीके से रस्सियों के जरिए लोगों को एक शिप से दूसरी शिप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। युद्ध स्थिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। आपको बता दें कि फिलहाल हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से जो नौसेना के जवान हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये इनका इस्तेमाल तब होता है जब काफ़ी लंबे समय तक जो शिप है वो किनारों से दूरी पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है, समुद्र के बीचों बीच मौजूद है और रस्सियों के सहारे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि सामानों को भी जो है वो खींचा जाता है। आप देख पाएंगे एक बड़ी संख्या में जो जवान है वो मौजूद रहते हैं, जिसे की रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, जिसमें लोग और सामानों को एक जगह से दूसरे शिप में यातायात एक तरीके से किया जाता है। और युद्ध के दौरान अगर इसमें किसी भी तरीके की जरूरत पड़ी तो बड़ी जहाजों से छोटी जहाजों में मैन फोर्स और उसी के साथ साथ मैन पावर और सामान जो है युद्ध में लगने वाली चीजें जो है उनका भी इस्तेमाल करते हुए रस्सियों के जरिए उन्हें एक जहाज से दूसरे जहाज तक पहुंचाया जाता है, जो कि उन्हें सस्ते ज्यादा से ज्यादा दिनों में रहने के लिए मदद करती है। समुद्र के बीचों बीच युद्ध स्तर पर युद्ध बहुत किस तरह से काम करते हैं ये हमने ट्रेन के जरिए आपको बताया कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, शिप्स के अंदर एक दूसरे को चीजों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये जानकारी दीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम 30 से 40 मील किनारों से दूर होते हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस अंदर होता है समुद्र के बीच में? तो जैसे ही हम शिप्स की सेलिंग पे निकलते हैं, हम स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट के लिए निकलते हैं कि हमें टास्क दिया जाता है कि किस टास्क के लिए हम निकल रहे हैं। जैसे ही हम हार्बर से निकलते हैं, लीव करते हैं, हो सकता है कि हमें कोई फास्ट इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट हमें अटैक के लिए आए। तो वो हमने जैसे अभी एक डेमो हमने मॉर्निंग में देखा, जिसमें हम पहले वार्निंग देते हैं उनको अपने साउंड के सिस्टम की मदद से। अगर वो उस वार्निंग को भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं, देन हम वार्निंग शॉट्स देते हैं। वार्निंग शॉट्स भी हम डिफरेंट कलर्स में देते हैं, येलो एंड रेड। अगर उन वार्निंग शॉट से भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एंड हमने जो भी उनसे सवाल पूछा है, जैसे कि उसका इंटेंशन क्या है या फिर किस मकसद से वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उसका जवाब भी अगर नहीं दे रहे हैं वो, तो डेफिनेटली जब हम वो 300 यार्ड्स के भी अंदर आते हैं, हम इंगेज करते हैं, हमारे शिप के चारों सेंट्रीज खड़े रहते हैं जो राइफल के साथ, तो वो उनसे इंगेज हो करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। एक तरह का थ्रेट हो सकता है हमें हमारी शिप के लिए, और ये इजीली वो फिशर बोट्स के साइज के हो सकते हैं और अपने आप को डिसगाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि रस्सियों की मदद से लोग जो है मैन पावर जो है वो भी एक जहाज से दूसरे जहाज पर जाती है, वो किस तरीके का प्रोसेस होता है और हेलीकॉप्टर और जहाज के बिना उसको कितने समय में किया जाता है? तो अभी हमने जैसे देखा कि लाइट जैक्स्ट है, जिसमें अगर हम हेलीकॉप्टर या बोट की मदद नहीं ले रहे हैं और फिर भी हमें कुछ सामान कार्गो है या मटेरियल या फिर किसी पर्सन को एक शिप से दूसरे शिप ट्रांसफर करना है, तो हम ये प्रक्रिया करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रस्सियों की मदद से हम एक दो शिप्स सेम स्पीड से 10 मीटर की दूरी पर सेम डायरेक्शन में हम चलते हैं और रस्सियों की मदद से हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं, जैक्स्टे बनाते हैं, जिसकी मदद से एक पर्सन दूसरे पर्सन दूसरे शिप में जा सकता है और मटेरियल कार्गो को भी एक शिप से दूसरे शिप पहुँचा सकते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि हमने देखा कि पनडुब्बियां जो होती हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग, क्योंकि वो अंदर पानी की सतह में छुपी होती हैं, हालांकि आप लोग उसको भी आवाज के जरिए ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है युद्ध की स्थितियों में? तो युद्ध की स्थितियों में क्या होता है कि सबमरीन की खासियत है कि देयर नोन फॉर देयर स्टेल्थ कैपेबिलिटी, तो क्योंकि वो एक ऐसे डेप्थ में चली जाती है जिससे आप नॉर्मली उनको देख नहीं सकते हो और हो सकता है कि आप उसको पकड़ ना पाओ। उसके लिए हमारे शिप में सोनार लगे हैं, तो सोनार सिस्टम की मदद से हम ऑपरेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, काइंड ऑफ साउंड जिस साउंड हमें रिसीव हो रहे हैं उससे जो ऑपरेटर्स को इतनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड नॉलेज रहती है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की सबमरीन है अंदर और क्या वो थ्रेट हमारी शिप को हो सकता है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट राहुल प्रमाणिक ने जानकारी दी कि किस तरह से युद्ध की स्थिति में बचाव के लिए नियंत्रण जो है वो किया जाता है। साफ तौर पर भारतीय नौसेना इसके लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार है।
ग्लोबल लीडर माने जाने वाला भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। जहां देश के दूसरे बॉर्डर्स पर युद्ध चल रहे हैं, वहीं भारत युद्ध के लिए कितना तैयार है, ये भारतीय नौसेना की इस खास रिपोर्ट में आपने जाना। आपको मैं बता दूं कि समुद्र की गहराई ये बताती है कि जितना ये विशाल है उतने ही विशाल तरीके से भारत अब तैयारी कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बना INS व्यास है जिस पर हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि जितनी तेजी से ये समुद्र में आगे बढ़ रहा है, ये बताता है कि हम दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि अधिक से अधिक आधुनिकता के साथ हम ऐसे INS को तैयार कर सकते हैं जो कि आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे दुनिया को भी ऐसे कई सारे बड़ी शिप्स का तोहफा प्रदान करने वाला है। INS व्यास आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। और एक खास चीज़ यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ जहाँ पर हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर देखी, उसमें भी हमने जाना कि जल थल और वायु के जितने भी तीनों पैरामीटर्स में युद्ध होते हैं उसमें जल की स्थिति यानी कि नेवी की स्थिति भी कितनी मजबूत होनी जरूरी है। हाल ही में समुद्र की अगर मैं बात करूं तो अभी आप जितना इसे खाली देख रहे हैं, ऐसे ही खाली समुद्रों के बीच में पनडुब्बियां अचानक से निकलती हैं जो कि बड़ी बड़ी जहाजों पर अटैक करती हैं। आपको मैं बता दूं कि जहां एक तरफ इसराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है, 3 से 4 दिनों पहले भी हमास ने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जल के अंदर भी समुद्र के अंदर भी वो युद्ध करने की स्थिति में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और इसी के बीच में ये जरूरी हो जाता है कि भारतीय नौसेना कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि अगर भारत पर किसी तरीके के अटैक होते हैं, समुद्र के बीच में अगर अचानक से कोई ऐसी गतिविधि होती है जिसे रोकना हो, तो उसमें भी उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसमें वार्निंग होती है, सिग्नल से कम्युनिकेशन होता है, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अंदर आगजनी हो जाए या कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसे हेलीकॉप्टर की मदद से बचाना हो, उसे रेस्क्यू करना हो, इन सारी गतिविधियों पर काम किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ऐसी बड़ी शिप्स जो हैं वो समुद्र के बीच में बैठ सके। देखना ये होगा कि एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी नेवी माने जाने वाले भारत देश जो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स को खुद बना रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो दुनिया को आगे तोहफा कैसे देते हैं और युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को कितना ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि जहाँ युद्ध है वहाँ भारत का इंटरफेरेंस शांति ला सकता है, ऐसी अब दुनिया की मान्यता है। और इसीलिए ऐसे INS, ऐसे नेवल कमांड्स, ऐसे नेवल वेसल्स हैं।